नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। सर, लालू यादव को पायल्स हो गया, ऐसे में आम जन को पायल्स ना हो, इसके लिए वो क्या करें? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को पाइल्स की शिकायत हुई और ये सामान्यतः बहुत कॉमनली हमारे जनता के बीच में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। इसके जो मुख्य कारण है उसमें दो तीन कारण है, जिसमें कि स्पाइसी फूड जो बहुत मसालेदार खाना होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइल्स होने में, पाइल्स के डेवलपमेंट में। दूसरी चीज़ है कि कब्जियत यदि किसी को अगर लगातार रहती है तो उससे पाइल्स होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़ है कि यदि किसी को बैठने वाली जॉब बहुत है कि किसी हार्ड स्टूल पे टेबल पे बैठ रहे हैं बहुत लगातार, जिससे कि उनके बैक एरिया पे प्रेशर पड़ता है, उस कारण से भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। इसके अलावे अगर किसी की दिनचर्या खान पान जो है अनियमित है, बहुत देर गैप रखते हैं खाने में और गैस की संभावनाएं होती हैं, कब्जियत उसके कारण से होता है, ये सब कारण बनते हैं पाइल्स के लिए। और मिलावट खाना जो है, जंक फूड जो है, उसमें वो भी बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है पाइल्स की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके लिए। इससे बचने के लिए दो तीन बातों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मसालेदार खानों को अवॉइड करें, लाल मिर्चा को एकदम अवॉइड करें और तीता जो खाना है उसे अवॉइड करें। दूसरी चीज़, जितने भी रफेज होते हैं, जैसे साग होती है, हरा सब्जी होती है, जिसमें फाइबर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि पेट के अंदर फाइबरस फ्रूट ज़्यादा रहे, फाइबरस फूड ज़्यादा रहे, जो कि बल्क हो और कंस्टिपेशन नहीं हो पाए नेचुरली, आपको कब्जियत नहीं हो पाए। तीसरी चीज़ है कि खाने में बहुत लंबा गैप न रखें, 3 घंटे पर कुछ न कुछ पेट में हल्का चला जाना चाहिए, जो फल चला जाए या फिर रसदार फल जो होते हैं वो चले जाएं, जूस चले जाएं, इस तरह की चीज़ों का सेवन करें। यदि किसी को कब्जियत है तो तत्काल चिकित्सीय सलाह लें और उसका उपचार करें और खान पान में नियमितता बरतें, बहुत देर लगातार किसी हार्ड सरफेस पर बैठे न रहें, अगर बैठने वाली जॉब है तो बीच बीच में टहल घूम करते रहें, जिससे कि एक लगातार प्रेशर जो है बैक एरिया पे नहीं पड़ता रहे, तो इन सब चीज़ों को करने से आप पाइल से बच भी सकते हैं। सर, युवाओं को भी ये पाइल्स होता है? जी, युवाओं में भी पाइल्स देखा जा रहा है, क्योंकि आज के खान पान बहुत बदलती जा रही है और जंक फूड बढ़ते जा रहे हैं, मसालेदार खाना की चलन प्रचलन बढ़ती जा रही है, तेलीय पदार्थों की प्रचलन बढ़ती जा रही है, साथ साथ कब्जियत की समस्या युवाओं में बढ़ती जा रही है, युवाओं फल से और सब्जियों से दूर होते जा रहे हैं, साग सब्जियां आज के नौजवान नहीं खाना चाहते हैं, जिससे कि फाइबर्स नहीं बन रहे हैं, चिकनाई वाली खाना खा रहे हैं, जिससे कि कब्जियत रह रही है, और बैठने वाली जॉब भी बहुत है, मेहनत कम हो रहा है, दौड़ धूप कम है, खेल कम है, और बैठने वाला बैठ करके लगातार कंप्यूटर खेल रहे हैं या फिर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पर खेल रहे हैं, इससे भी बैक एरिया पे प्रेशर पड़ता है और उससे भी पाइल्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओ, तो कुल मिलाकर कहें तो खान पान एक बड़ी वजह है और साथ ही एक्सरसाइज युवाओं का जो न करना या एक्सरसाइज के प्रति रुझान युवाओं का जो कम हो रहा है, यही वजह है पाइल्स होने की? जी, मुख्यतः ये दोनों चीज़ें हैं, जिससे कि कब्जियत रह रही है खान पान के जो चेंज हुआ है उसके कारण से, और बैठक वाली जो जॉब बहुत देर तक बैठे रहना पड़ जा रहा है उसकी वजह से कब्जियत होने से और मसालेदार खाने से ये पाइल्स की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसका सही ट्रीटमेंट क्या है मेडिकली तौर पे? देखिए, ये पाइल्स को वर्गीकृत करते हैं कि ग्रेडिंग करते हैं कि कितना है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। अगर ग्रेड 1 है तो बहुत हद तक अपनी खान पान और दिनचर्या परिवर्तित करने से आप सही रह सकते हैं। अगर ग्रेड 2 ग्रेड 3 है तो ऑपरेशन की संभावनाएं हैं, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में तो ऑपरेशन ही उसका उपाय होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद पुनः आपको उस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। यदि ऑपरेशन के बाद आप खान पान में अपने नियमितता नहीं बरतेंगे, प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, कब्जियत उसके बाद भी रहेगी तो फिर से रिकर करने की संभावनाएँ हो सकती हैं। हाँ, डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसा ही बताया है, लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर 3-4 दिन अस्पताल में रखेंगे, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट में सुधार नहीं हुआ तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, ये वहाँ के डॉक्टरों का बयान भी आया था। जी, निश्चित तौर पे यदि ग्रेड 3 या 4 है तो उसमें ऑपरेशन की संभावनाएं हैं, लेकिन आज टेक्निक्स भी आ गए हैं जिसमें स्टेपल करके भी ऑपरेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा चीट फाड़ नहीं होती उसमें, लेकिन ऑपरेशन करने की संभावना बन सकती है यदि ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल्स होता है। सर, ऑपरेशन में काफ़ी कुछ दिक्कत है, कितने वक्त लग जाता है सर ऑपरेशन के बाद ठीक होने में पूर्णतः? देखिए, ऑपरेशन के बाद पूर्णतः ठीक होते होते करीब करीब
10 दिन 15 दिन लगते हैं, और लेकिन खान पान में जो परिवर्तन है वो नियमित आजीवन करना पड़ता है। सामान्य भोजन करना, रेशेदार फलों का, रेशेदार जो साग सब्जियां हैं उनका भोजन करना, मसालों से परहेज रखना और कब्जियत से परहेज रखना, और एक जगह लगातार बैठे रहने से परहेज रखना, ये आजीवन करना पड़ता है।